अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। और ये ऐसी वीडियो जिसका इंतज़ार सब लोगों को रहता है और जिसके पास बिल्ली है या वो रखने के बारे में सोचा, अगर ये वीडियो उसने एंड तक देख ली तो उसके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, बहुत सारी नॉलेज उसके पास इकट्ठी हो जाएगी। और इसके अंदर जो कॉमन क्वेश्चन थे मेरे से पूछे गए थे, 200 से 300 क्वेश्चन मेरे पास आए थे, उसमें जो कॉमन क्वेश्चन है मैं उनके आंसर दूंगा। बाकियों के ऊपर भी मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड कर दूंगा कि आप लोग मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमसे मानो बिल्ली ने इंस्टाग्राम पर पूछा है। अगर इंस्टाग्राम पर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो यहाँ कहीं लिंक आ रहा होगा, फॉलो ज़रूर कर लें। कैट को लिटर के अलावा मिट्टी भी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? इसमें दो चीज़ें नॉर्मली आती हैं। मिट्टी अगर आपने देनी है तो आप ये बात ख्याल रखें, मिट्टी में कर तो देगी वो, ठीक है, लेकिन उसका गंध जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा और बहुत ज़्यादा स्मेल क्रिएट होगी, और हो सकता है उसमें से उसको कोई जम्स वगैरह ऐसे लग जाए जिसकी वजह से उसको स्किन इन्फेक्शन हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए। कोशिश करें अच्छा वाला लेटर यूज़ करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छा वाला लेटर यूज़ करें जिससे स्मेल ना आए। और इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा लेटर अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है और कैसे आप एक लेटर को ज़्यादा टाइम तक चला सकते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल मैंने देखा है कि मुझसे कोई 60-70 लोगों ने पूछा हुआ है हेयर फॉल के बारे में। तो यार हेयर फॉल के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना दी, अगर किसी ने नहीं देखी अभी तक तो यहाँ मैं कार्ड के ऊपर डाल दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो जाके लाजमी देखिए, आपके सारे डाउट इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएंगे। तो यहाँ तीसरा को जो क्वेश्चन है वो इकरा सईद ने यूट्यूब पर पूछा है कि मेरी कैट अपने एयर्स को बहुत स्क्रैच करती है, ख़ारिश करती है और ज़ख्म बना लिए हैं। पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि वो ऐसा क्यों करती है। किसी भी कैट अगर बहुत ज़्यादा यहाँ की तरफ ख़ारिश करती है, बाकी पूरी बॉडी ठीक है, यहाँ की तरफ ख़ारिश होती है, ज़ख्म बना ली, तो सीधी सी बात है कि उसको एयर माइट्स हैं, बैक्टीरियाज़ हैं जो गर्दन के इस तरफ और कानों के इस तरफ आसपास होते हैं, जो नज़र नहीं आते लेकिन बैक्टीरियाज़ हैं, जम्स हैं, जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो ख़ारिश कर करके यहाँ पर ज़ख्म बना लेती है। इसके ऊपर मैंने पूरी पूरी वीडियो बनाई हुई है और वीडियो आप देख सकते हैं, कार्ड मैं यहाँ पे कार्ड पे लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उसका, वीडियो आप देखें और एक दफ़ा डॉक्टर को जरूर चेकअप करवा लें। इसका एक ड्रॉप आता है जो कि मैंने वीडियो के अंदर बताया है, वो अगर आप ला के डाल लें उस तरीके से तो वो इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। तो यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उम्मे हफ्सा ने यूट्यूब पर पूछा है कि मेरी कैट के जो दांत हैं वो टूट रहे हैं और ब्रश करना ज़रूरी है या नहीं है, इसके ऊपर वीडियो बनाएं। इसके ऊपर वीडियो मैं पूरी बताऊंगा लेकिन आपको दांतों के बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जल्दी जल्दी से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि इनकी सफाई आपने करनी ही करनी होती है लाजमी, जैसे इंसानों की ज़रूरत होती है वैसे ही इनको ज़रूरत होती है। कुछ ड्राई फ्रूट्स खाने की वजह से इनके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, स्मेल जो आती है ना, इतने मुँह से स्मेल आ रही होती है वो दांतों की वजह से आ रही होती है। आप क्या करें, आप यहाँ पर टूथपेस्ट भी मिलता है पेट शॉप्स के अंदर और आप डेंटल कैटनिप स्टिक्स भी ले सकते हैं, इसके लिए दोनों बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं, आप उसका यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। अगर ज़्यादा मसला है तो आपको स्केलिंग करवानी पड़ेगी इसकी, वेट आपके जो पेट है उसके दांतों की स्केलिंग भी कर देगा। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कोसर सिद्दीकी ने पूछा है कि और जितना जितनी बॉयल्ड चिकन ठीक होती है तो क्या उतना बॉयल्ड बीफ और बॉयल्ड लैम मीट भी ठीक होता है, और पूछा गया क्या ठीक होता है कि नहीं। इस तरह का एक क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर भी एक भाई ने मेरे से पूछा था कि बीफ का जो कीमा है वो खिला सकते हैं, उससे मसला तो नहीं होगा। पहली बात एक ध्यान से सुन लें कि अगर आप तरीके से, जब आप एक फूड खिला रहे हैं ऑलरेडी और उस एकदम से आप चिकन पे आते हैं, एकदम से आप बीफ के ऊपर आते हैं, तो मसला हो सकता है। आपने तरीके से खिलाना है, पुराना फूड और नया फूड मिक्स करके आपने खिलाना है, बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होता बीफ से, चिकन से, लैम से। आपको कोई कहे कि बीफ से ये हो जाता है, लैम से वो हो जाता है या चिकन से ये हो जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये इनकी नेचुरल जो सबसे बेहतरीन गिज़ा है वो है, आप इनको दे सकते हैं, बॉयल करके दें, रॉ देना चाहते हैं अगर आप रॉ भी दे सकते हैं साफ़ सूफ करके, तो कोई ऐसे इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन डी आर उमर ने इंस्टाग्राम पे पूछा है हमसे कि व्हाट टू डू अगर एक कैट अकेली रहती हो पूरा ईयर और जब वो हीट पे आए तो मेल के पास नहीं आने देती थ्रू आउट हर हीट, बल्कि जैसे ही मेल ग्रिप करता है उसे मार लगे थी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ, जब आपने पूरा साल किसी मेल के साथ उसे नहीं रखा और आपने एकदम से उसको इंट्रोड्यूस करवाया किसी मेल के सामने, तो जाहिर सी बात है वो एकदम से तो उसके साथ एडजस्ट नहीं होगी, कम से कम भी हो सकता है कि वो 5 दिन ले, हो सकता है वो 10 दिन ले, हो सकता है वो 2 महीने ले ले एडजस्ट होने में। लेकिन जब हीट पे होती है कैट, तो अगर आपने 5 से 6 दिन एक मेल कैट के साथ छोड़ा है, जो मेल कैट इस कैपेबल हो कि वो मेटिंग कर सके, तो वो ज़रूर मेट हो जाएगी। कुछ कैट्स की प्रॉब्लम होती है जो मेट नहीं करती, वो मारती हैं, या बिल्ला कैपेबल नहीं होता कि वो मना सके उसको मेटिंग के लिए। क्वेश्चन हमसे पूछा है फराज खान ने कि इंस्टाग्राम पर किटन्स की आंखें कितने दिन में ओपन होती हैं? जब किटन पैदा हो जाता है उसके 7 से 12 दिन के अंदर अंदर आंखें ओपन हो जाती हैं, हो सकता है 15 दिन भी लग सकते हैं।
कोई ऐसा इशू नहीं है, बजाय इसके अगर उसके पस पड़ जाए आंखों के अंदर तो वो एक इशू की बात है। उसके पर मैंने वीडियो बनाई हुई है आंखें किस तरह साफ़ करते हैं, आंखों में कोई भी किसी किस्म का इन्फेक्शन हो तो क्या ये यूज़ करना चाहिए, इसका कार्ड मैं यहाँ पे कार्ड में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं वीडियो। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम वो है हिरा उस्मान का यूट्यूबर, किटन्स को कितने अर्से तक वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस वजह से कि बहुत सारे किटन जो है वो इस वजह से मर जाते हैं कि उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती है और वायरल इन्फेक्शन उनको हो जाता है। दो तीन दिन पहले ऐसे ही मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे किसी ने मैसेज किया था कि उनके किटन को वायरल इन्फेक्शन हो गया है। और क्यों हुआ, क्योंकि उनके डॉक्टर ने कहा था कि इसको जो किटन होते हैं उनकी वैक्सीनेशन नहीं करवाते, तो किटन की तो उनकी डेथ हो गई। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पर, जैसे किटन 2 से 2.5 माह का हो आपने उसको वैक्सीनेशन के लिए अपने करीबी डॉक्टर के पास लाजमी ले जाना है। और इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जिनका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, कार्ड में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका लिंक दे दूंगा, जो आप देख लीजिएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन कैट की वैक्सीनेशन से रिलेटेड मिल जाएगी। और यहाँ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है यूट्यूबर डॉक्टर रिची रिच ने, भाई अगर सिर्फ एक कैट रखनी हो तो आपने कहा था कि फ़ीमेल रख सकते हैं, आपने ये नहीं बताया कि क्यों रख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जो फीमेल होती है आती तो फीमेल भी हीट पे है और मेल भी अडल्ट होता है उसके बाद स्प्रेइंग करता है, लेकिन जो फीमेल है वो कम से कम स्प्रेइंग नहीं करती। स्प्रेइंग का मतलब यह है कि जगह जगह पर यूरिन पास नहीं करती, जबकि जो मेल कैट है वो यूरिन पास करता है जगह जगह पर। और दूसरा फ़ायदा यह है कि अगर आपके पास फीमेल है तो अगर आपने मेटिंग करवाई है तो आपके पास किटन्स भी आ जाएंगे, किटन्स आएंगे तो घर में हैप्पीनेस होगी। और ऐसे बहुत सारे रीजन है, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है एलिश द कैट ने, कैन कैट बाइट्स और स्क्रैचेस कॉजेस रैबीज। अगर बात करें ना, पूछा है कि क्या कैट के काटने से या बाइट करने से रैबीज हो सकती है। रैबीज जो है बेसिकली ज़्यादातर डॉग्स के अंदर पाई जाती है, कैट्स में उस सूरत में पाई जा सकती है जब वो बाहर स्ट्रे कैट हो, पहली कंडीशन उसकी ये, और बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो, उसे स्कैबीज हो, उसे क्या कहते हैं कोई और इस तरह की स्किन प्रॉब्लम हो या फिर और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, फिर वो आपको काटे या आपको स्क्रैच करे तो फिर जाके चांसेस है कि आपको रेबीज़ हो सकती है। अगर आप घर की कैट्स की बात करें, बेशक आपने स्ट्रे कैट पाली है या पर्शियन कैट पाली है, अगर आपको काट लेती है, बाइट करती है, तो मेरे ख्याल से 99% चांसेस नहीं है कि आपको रेबीज़ होगी। और इसी तरह ही एक भाई ने और पूछा था कि कैट की वजह से अगर उसको पकड़ें, उसको प्यार करें, तो उसकी वजह से कोई बीमारी होती है या नहीं होती। बिल्कुल भी कोई बीमारी नहीं होती, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। अगर कोई बीमारी होती भी है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, मैं यहाँ पे कार्ड डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप इंशाल्लाह ताला देख सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस बारे में। हाँ भाई, सूफ़ी साहब ने हमसे क्वेश्चन पूछा इंस्टाग्राम पर, अगर हम कैट का या किटन्स को फ्लीज लोशन लगाएं और अगर कैट लिक करके कर ले तो हार्मफुल हो सकती है नहीं हो सकती। डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया में जो एक कॉमन प्रोडक्ट मिलती है कैट के हवाले से जो 100% काम करती है वो है फ्रंट लाइन। अगर आप फ्रंट लाइन आपने लगाया है, किटन्स के ऊपर स्प्रे किया है, कैट के ऊपर स्प्रे किया, तो आपने कोशिश करनी है कि वो लिक ना करें। अगर लिक किया, बहुत ज़्यादा लिक किया, तो उसका रिजल्ट निकल आ सकता है, उसको मसला हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, क्योंकि वो एक तरह का पॉइजन है। और अगर हम पाकिस्तान की स्पेशली बात करें तो यहाँ पर डी टिक फ्रंट लाइन है, जबकि मैंने कंपेरिजन किया है कि जो डी टिक है वो अगर कैट लिक भी कर लेती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो बहुत जल्दी जो है सफाया कर देती है फ्लीस का। और ये प्रोडक्ट मैंने इस वजह से अपने पेज भी रखी है क्योंकि ये बहुत कम हार्मफुल है और इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला। अगर आपको चाहिए फ्लीस के हवाले से तो आप मेरे पेज पे विज़िट कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरिया ने पूछा है कि मेरी कैट 2 ईयर्स की है, उसे यूट्रस में पस पड़ गई है और उसका ट्रीटमेंट करवाया है, मुझे बताएं वो ठीक हुई है या नहीं हुई। पहली बात तो ये कि यूट्रस में पस क्यों पड़ती है, इसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रीज़न जो देखा गया है, जो ऑब्जर्व किया गया है, जब आप जाते हैं डॉक्टर को कहते हैं कि यार ये हीट पर है मेरी कैट और मैंने इसको नहीं मेटिंग करवाना चाहता है, हीट पे ना आए, वो इंजेक्शन लगा देता है और वो इंजेक्शन जो होता है वो उसकी जान जाने का सबसे बड़ा सबब बनता है या फिर यूट्रस में पस पड़ने का सबसे बड़ा सबब बनता है। लोगों को नहीं पता लेकिन डॉक्टर्स को पता होता है इस बारे में, लेकिन फिर भी वो आपको इन्फॉर्म नहीं करते और उसके बाद 1 साल बाद 6 महीने बाद यूट्रस में पस पड़ जाती है। तो कोशिश करेंगे ऐसा काम ना करो। जहाँ तक बात है वो कैसे ठीक, मुझे कैसे पता लगेगा कि वो ठीक है या नहीं, आपके पास है कैट, आप देखें, अगर वो चल फिर रही है ठीक से, वो खाना पीना ठीक से खा रही है, उसका आपने ट्रीटमेंट करवाया पूरा, तो वो ठीक ही होगी इंशाल्लाह। लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है मुस्लिम चैनल की तरफ से, कि मेरा सवाल ये है कि 7 मंथ की कैट है, वो पोटी और टॉयलेट अपने लिटर बॉक्स में ही करती है, लेकिन उसके बाद पैरों को साफ़ करके बेड पर आ जाती है, इससे क्या हमें इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कि आपने सवाल के अंदर ही जवाब दे दिया कि पैरों को साफ़ करके, कैट्स जो होती हैं वो सेल्फ ग्रूमर होती हैं, वो अपने आप को साफ़ कर लेती हैं, उनको बार बार नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
और अगर आपको ज़्यादा फिर भी है कि आप वो साफ़ हुई या नहीं हुई, फिर आप खुद ही उसके पाँव धुला दें, वरना कैट्स जो होती हैं सेल्फ ग्रूमर होती हैं, उनको ज़्यादा साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, और इस वजूहात की वजह से कोई आपको इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने वाला। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, आप बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें, वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं करता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।